19 फरवरी 2013 जब एलिशा लैम की लाश मिली तब नॉर्मल लगने वाला ये केस पिछले 9 सालों से केवल एक रहस्य बना हुआ है। कल के वीडियो में हमने इस केस का सीसीटीवी वीडियो देखा था जो खुद रहस्यों से भरा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त, आज होने वाले हैं सबसे अजीब सवाल। नंबर 1, लॉस एंजलिस की जिस होटल सेसिल की छत पर लगे पानी के टैंक में एलिशा की लाश मिली, वहाँ एलिशा पहुंची कैसे? क्योंकि छत पर कोई बिना परमिशन के जाता तो पूरे होटल में अलार्म बजता, लेकिन उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा और छत के गेट पर भी लॉक लगा हुआ था। नंबर 2, जिस पानी के टैंक में एलिशा की लाश मिली उसकी हाइट भी काफी ज्यादा थी, उस पर बिना सपोर्ट के एलिशा कैसे चढ़ी? और उस टैंक के ढक्कन का वेट लगभग 22 किलो था, तो एलिशा ने ढक्कन को हटाया कैसे और टैंक के अंदर जाने के बाद इतने भारी ढक्कन को वापस कैसे लगाया? ये सब बिना सपोर्ट के कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे दोस्त, बात यहीं खत्म नहीं होती। पैरानॉर्मल रिसर्च टीम का ये मानना था कि एलिशा का किसी आत्मा ने मर्डर किया है। जांच में ये सामने आया था कि एलिशा को एक मेंटल डिसऑर्डर था जो बिना वजह डर कर कहीं छुप जाती थी, और उस दिन वो पानी के टैंक में छुपने गई थी जहां उसकी डूब कर मौत हो गई। लेकिन ये भी केवल एक थ्योरी है। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें सीसीटीवी वीडियो है, उसे जरूर देखना।